हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये बेसिकली आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्रॉस प्रोडक्ट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है बच्चों को, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, लंबे टाइम तक कन्फ्यूज रहते हैं, 12th तक कन्फ्यूज रहते हैं, मैग्नेटिज्म तक चलता है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझो। और मतलब मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी रोटेशन, पूरे फिजिक्स में पूरा मैग्नेटिज्म भरा पड़ा है क्रॉस प्रोडक्ट से, ठीक है। तो चलो, तो क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो लेक्चर है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है। इससे पहले हम लोग पढ़ के आए थे बेटा डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट आज हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। जब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो तीसरी क्वांटिटी वेक्टर भी मिल सकती है। अगर मैं वेक्टर ए में वेक्टर बी से मल्टीप्लाई किया तो मुझे एक नया वेक्टर मिला सी, तो इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अगर मुझे सी मिला तो ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर में मल्टीप्लाई किए, अगर मुझे एक स्केलर मिला तो ये क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अगर एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर में मल्टीप्लाई किए तो तीन वेक्टर हो गए ना भाई। एक ये एक अलग हो गया, बी अलग हो गया, और जो रिजल्ट मिला सी वो अलग हो गया। तो जब दोनों का मल्टीप्लाई किए तो हमें दो तो पहले मल्टीप्लाई हो गए, नया वेक्टर सी दिए। तो ये कैसे होगा और क्या होता है उसको हम लोग आज हम समझ लेंगे। चलो, तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर एंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम व्हिच डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द वेक्टर एंड गिवन बाय राइट हैंड रूल, या इसको राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं। राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना। एक्चुअली देखो, पहली बात, ठीक है, सबसे बड़ी बात, इसको डायरेक्शन को लेके बहुत कन्फ्यूजन होता है। मतलब अगर मैं दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूँ, समझो इसको सब लोग, कि दो वेक्टर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इधर, ठीक है, तो अगर ये जो वेक्टर है देखो, एक वेक्टर, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अगर इनका वेक्टर एंगल थीटा है, तो जब मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा तो मैं लिखूंगा दोनों वेक्टर का क्रॉस। इसलिए देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, इसलिए करते हैं क्योंकि वेक्टर आता है, क्रॉस इसलिए लगाते हैं क्योंकि क्रॉस आता है। तो मैं लिखूंगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और प्लस इनके बीच जो साइन का एंगल है थीटा वो लिखूंगा। साथ साथ ये एक पूरा वेक्टर मिला है तो एक यूनिट वेक्टर लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि यार ये पूरा एक स्केलर है, ठीक है। ये क्या, एक स्केलर है, ठीक है। और इस स्केलर में अगर मैं एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये स्केलर कंप्लीट वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इधर क्या है, एक वेक्टर मिला है, ठीक है, एक वेक्टर है। और ये बी क्या है, बी भी क्या है, एक वेक्टर है। बी क्या है, एक वेक्टर है, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये पूरी नई चीज़ वो भी एक वेक्टर ही मिल गई, ठीक है। तो मतलब अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करूँ, ए का मल्टीप्लाई करूँ, बी का मल्टीप्लाई करूँ, तो एक नया पूरा वेक्टर मिल गया। और इस पूरे वेक्टर को थोड़ा मैं ढंग से लिखूँ तो मैं अभी आपको समझाता हूँ। अगर मैं इधर ढंग से लिखूँ तो देखो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब ये क्या होगा, स्केलर हुआ, लेकिन वेक्टर इसको बनाने के लिए एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, तो एक पूरा, इस पूरे वेक्टर का एक नाम दे देते हैं, नया वेक्टर सी, ठीक है ना। वेयर सी एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो ए बी साइन थीटा है, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन एन कैप की डायरेक्शन में होगी। वेयर सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी साइन थीटा। तो ये बात समझ में आया। अभी बेसिक क्या समझाया मैं, कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, उनके बीच का जो साइन का एंगल है, वेक्टर एंगल उसका साइन थीटा का, वो सी का मैग्नीट्यूड होगा। और एन कैप के आने से
उस सी का डायरेक्शन आ जाएगा, नया वेक्टर, उस नया जो वेक्टर बना उसकी डायरेक्शन एन कैप बताएगा। एन कैप रहना जरूरी है। अगर मैं एन कैप को उड़ा देता हूँ तो भाई ये वेक्टर प्रोडक्ट गलत हो जाएगा ना भाई, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, स्केलर मिल जाएगा। सो एन कैप इज वेरी नेसेसरी टू गिव द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। तो अब ये बात आपको समझ में आएगा कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, दो वेक्टर के मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो चीज़ मिलती है वो एक वेक्टर मिलती है। अब इस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझते हैं, और बेहतर से तरीके से समझने के लिए मैं आपको प्लेन के एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। चलो डायरेक्शन की पहले एक बार बात कर लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ ये जो है a क्रॉस b इज इक्वल टू a क्रॉस b, ये वेक्टर c, ये जो वेक्टर मिला है इसको मैं c बोल दिया हूँ, ठीक है। तो ये जो वेक्टर मिला a क्रॉस b, डायरेक्शन ऑफ c वेक्टर किधर जा रहा है, उसका डायरेक्शन थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं इसमें डायरेक्शन में। देखो बहुत सारा डायरेक्शन बाजार में अवेलेबल है, ठीक है, मतलब ठीक है, फिजिक्स में 3-4 रूल हैं जो डायरेक्शन बताते हैं, थंब रूल, पाम रूल, स्क्रू रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो इस तरह से मतलब बहुत सारे हैं। तो अब भाई कौन सा तुम लोगे, बहुत सारे हैं, किसी एक के साथ चिपक जाओ। क्यों? क्योंकि अगर बहुत सारा यूज करोगे तो हमेशा कन्फ्यूज रहोगे, ठीक है, हमेशा कन्फ्यूज रहोगे बार बार। तो सबसे अच्छा है, मेरा बात मानो, सबसे अच्छा राइट हैंड कर्ल रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल को अपना लो और ये यहाँ से लेके 11th 12th पूरी फिजिक्स में सब जगह यूज करो, ठीक है ना। इस प्लेन में अगर दोनों वेक्टर हैं तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर में बताया, तो परपेंडिकुलर ऊपर भी होगा, परपेंडिकुलर नीचे भी होगा। अब वो किधर होगा, वो राइट हैंड थंब रूल बता देगा। तो राइट हैंड थंब रूल बता देगा तो ऑब्वियसली जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, अब आपको क्या करना, मेरी बात ध्यान से सुनो, राइट हैंड लेना है, ठीक है। अब ये मत करना कि सर किसी पास राइट हैंड ही ना हो तो क्या लें, तो अगर राइट हैंड ना हो तो क्या करो, लेफ्ट हैंड लोगे, साइन उल्टा कर दो। अब वो पूछो कि लेफ्ट हैंड भी ना हो तो क्या करेंगे, तो कैसे, ठीक है। तो ये भाई आपको राइट हैंड लेना है, लेफ्ट हैंड नहीं है तो फिर दिमाग लगाओ, खोपड़ी लगाओ। तो राइट हैंड लेना है, तो राइट हैंड लेंगे, ठीक है। तो अब जो राइट हैंड लेंगे वो ए से बी की साइड घुमाएंगे, ए से बी की साइड घुमाएंगे, कर्ल करेंगे, समझो। अभी ये वेक्टर ऐसे है बोर्ड के प्लेन में देखो, और बी वेक्टर ऐसे है, ठीक है, बी वेक्टर ऐसे है। अब ये इनके बीच का वेक्टर एंगल है। अब दो तो दिख रहा है कि ए क्रॉस बी निकाले तो दो तो दिख रहा है, तीसरा नहीं दिख रहा ना, सी किधर जा रहा है। तो सी किधर जा रहा है वो राइट हैंड कर्ल रूल बताएगा। देखो ए से ए क्रॉस बी निकालना हो, ध्यान देना यहाँ ए क्रॉस बी निकालना हो, तो ए क्रॉस बी निकालना हो तो ये दोनों वेक्टर बोर्ड में है, तो राइट हैंड को ए से बी की साइड घुमाऊंगा, ये जो है वो कर्लिंग होती है, कर्लिंग। तो ये जो कर्ल है, कर्ल घुमाऊंगा ए से बी की साइड में, और थंब को ओपन कर, थंब बताएगा वेक्टर सी। तो मैं ए से बी की साइड के घुमाऊंगा, ठीक है, तो जो थंब है वो बोर्ड के बाहर आ रहा है, ठीक है, तो वो बोर्ड के बाहर वही वेक्टर सी है। देखो आपको फिर से बात सुनो, आपको ए क्रॉस बी निकाल ले और राइट हैंड को ए की डायरेक्शन में रखना है। अब ए की डायरेक्शन में कैसे रख सकते हैं यार, ए की डायरेक्शन में तुम्हारा हाथ है यार, जैसे मन करे वैसे रखो, 360 डिग्री रखो। अगर ऐसे रखोगे तो कर्ल घुमाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बी बाहर नहीं है। ऐसे रखोगे ए की डायरेक्शन में तो बोर्ड के अंदर चले जाएगा, वो भी गलत हो जाएगा। ऐसे रखोगे तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये रखेंगे कैसे, ऐसे रखेंगे, ये सही है, ठीक है, क्योंकि ऐसे मैं घुमाऊंगा तो ए की डायरेक्शन ऐसे। तो ये जो वेक्टर है वो वेक्टर सी है, दिख रहा है आपको, ए इधर है, बी इधर है और सी इधर है, जो कि बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ए क्रॉस बी बोर्ड के बाहर आएगा। आते हैं ए क्रॉस बी देखो इसके केस में, देखो ए क्रॉस बी ये थीटा है, ठीक है, तो वेक्टर ए इधर है, ठीक है, और वेक्टर बी इधर है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी अगर ऐसे लोगे तो बोर्ड के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो हमें ए क्रॉस बी अगर निकालना है तो ए क्रॉस बी निकालना है, तो ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, ठीक है। तो अगर मुझे ए क्रॉस बी चाहिए तो ए क्रॉस बी, डायरेक्शन को समझो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन समझना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ए क्रॉस बी राइट हैंड को किधर रखना है, ए की डायरेक्शन में रखना, किधर घुमाना है
बी की डायरेक्शन में, ये थीटा है तो ए से बी तक डिग्रेडेंट है, तो ये जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर, ये नया वेक्टर आया सी जो होगा ए बी साइन थीटा जिसकी मैग्नीट्यूड होगी, और इसमें एक यूनिट वेक्टर लगा दूं ये इसका डायरेक्शन, अगर बी क्रॉस ए निकालोगे तो वो उस प्लेन के अंदर बाहर चला जाएगा, ठीक है ना, उसके अंदर चला जाएगा। चलो इस तरह से हम डायरेक्शन निकालते हैं ए क्रॉस बी, और आपको समझाता हूँ एक डायरेक्शन निकालने का। अब देखो यहाँ एक प्लेन है, ये 3D प्लेन है, यहाँ पर अगर मैं वेक्टर कुछ लेता हूँ वेक्टर ए, और इधर मैं लेता हूँ वेक्टर बी, ठीक है, तो अब मुझे निकालना है ए क्रॉस बी। तो अगर मुझे निकालना है तो ए क्रॉस बी इनके बीच का वेक्टर एंगल थीटा है इस प्लेन के, ठीक है, तो अब मैं ए क्रॉस बी निकालता हूँ, तो ए क्रॉस बी, अगर मैं ए क्रॉस बी निकालता हूँ, समझो ए क्रॉस बी निकालता हूँ, तो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर ये वेक्टर सी आया, ठीक है ना, दिस इज वेक्टर सी जो कि होगा ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड होगी और उसकी डायरेक्शन एन कैप होगी, ठीक है, इसी को नाम दे देते हैं वेक्टर सी, नया वेक्टर बोल देते हैं सी। तो ये जो वेक्टर सी है वो हमेशा ऑलवेज याद रखो, ऑलवेज ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा, और उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें ये तीनों ये दोनों वेक्टर रहेंगे, ठीक है, और समझते हैं इसको। अब यहाँ देखो, यहाँ बी क्रॉस सी निकालोगे तो क्या होगा, बी क्रॉस सी निकालोगे तो क्या होगा, अगर मान लो मैं यहाँ निकालूँ बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी निकालूँ तो क्या होगा, देखो बी क्रॉस सी निकालो, तो बी क्रॉस सी निकालोगे, बी क्रॉस सी निकालोगे तो ये थीटा है, तो बी इधर है सी इधर है, दाहिने हाथ को बी से सी के घुमाना, थंब ऊपर कर दोगे तो बोर्ड के प्लेन में तो अंदर चला जाएगा लेकिन इसके प्लेन में नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस वेक्टर सी, ठीक है ना, माइनस, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये आ गया बी, ये आ जाएगा बी क्रॉस सी, ठीक है, और ये आ जाएगा ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी मतलब ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी के बराबर नहीं होता, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल वेक्टर बी क्रॉस सी, समझ रहे ना, ए क्रॉस बी इसके बी क्रॉस सी के बराबर नहीं होता ना, समझ रहे, क्यों बराबर नहीं होगा, क्योंकि यार देखो ए क्रॉस बी ऊपर आ रहा है और बी क्रॉस ए नीचे आ रहा है, तो दोनों इक्वल कहाँ हुए, नहीं हुए ना। चलो तो ये ए क्रॉस बी, एक और एग्जांपल के हेल्प से समझो कि ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, ये वेक्टर पी है, ठीक है, और ये वेक्टर मान लो क्यू है, ठीक है, तो अब मुझे पी क्रॉस क्यू निकालना है, तो पी क्रॉस क्यू ये एंगल थीटा, तो पी क्रॉस क्यू ये नया वेक्टर आर बोल देता हूँ इसको, जिसकी वैल्यू होगी पी क्यू साइन थीटा एन कैप, और ये वेक्टर आर, ठीक है, नया वेक्टर जनरेट, उसका नाम रख दिया मैं नया वेक्टर जनरेट, ठीक है। अब इसमें अगर ये देखोगे, ठीक है, ये देखोगे कि मैं निकालूँ क्यू क्रॉस पी, अगर मैं क्यू क्रॉस पी निकाल रहा हूँ, क्यू क्रॉस पी, तो क्यू इधर है पी इधर है, तो क्यू क्रॉस पी और ये आ जाएगा माइनस वेक्टर आर, ठीक है, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और साथ साथ पी एन क्यू के भी परपेंडिकुलर होगा, जो कि आ जाएगा माइनस पी क्यू साइन थीटा एन कैप, मतलब माइनस वेक्टर आर, ठीक है ना, माइनस वेक्टर आर और ये पी क्यू। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमेशा याद रखो जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो नया वेक्टर मिलता है, उसकी डायरेक्शन डिसाइड होते हैं राइट हैंड थंब रूल, इसी के साथ रहो, एक ही रूल हमेशा याद रखो, तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। चलो इसकी प्रॉपर्टी हम बाद में समझाएंगे, ठीक है। चलो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, देखो अब ए क्रॉस बी क्या ज्योमेट्री से कुछ देता है, अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूँ तो क्या कुछ हमें मिलने उलने वाला है ज्योमेट्री से, चलो करके देख लेते हैं। चलो यहाँ पर ए वेक्टर ए है और ए वेक्टर बी है, तो अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ ए क्रॉस बी, तो देखो कॉम्पोनेंट कर दो, या तो कॉम्पोनेंट कर दो बी के कॉम्पोनेंट कर दो, ये आ जाएगा बी कॉस थीटा, ये आ जाएगा बी साइन थीटा, तो अगर मतलब इनका मैग्नीट्यूड लोगे ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड लोगे, डायरेक्शन भी ले सकते हो, मैं मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहा हूँ मैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, तो ये तो आ गया बी साइन थीटा यार, और अगर मैं बी साइन थीटा में ए
और बी साइन थीटा में मल्टीप्लाई करता हूँ, बी साइन थीटा में ए से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का एरिया, यहाँ पर एक और परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हो, तो ये यहाँ पर ये देखो ये आ जाएगा ए और ये आ जाएगा ये, इस एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि बी साइन थीटा और ये इस एरिया का रेक्टेंगल आ गया। चलो, या अगर इस एरिया का रेक्टेंगल आ गया तो ये जो एरिया है, इस अगर इसमें इसमें ये वाला एरिया निकाल देता हूँ क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया आ गया, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो इसको मैं इधर आपको बेहतर तरीके से समझाता हूँ, इसको इसी चीज़ को देखो। अगर ये दो वेक्टर हैं, ठीक है, ये दो वेक्टर हैं, ए है ए बी है, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करूँ और ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की एरिया क्या होती है, एरिया क्या होती है, बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। भाई इतनी तो मैथमेटिक्स आती होगी सबको, इस पैरेललोग्राम की एरिया क्या होती है, बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो बेस क्या है, ए, और इस पैरेललोग्राम की जो हाइट है, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूँ तो ये थीटा है और ये बी है, तो हाइट ये कितनी हो जाएगी भाई, बी साइन थीटा। तो अगर मैं बी साइन थीटा पे मल्टीप्लाई कर दूँ बी साइन थीटा, तो यही तो बी साइन थीटा, मतलब ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा इस पैरेललोग्राम का एरिया देगा, ए बी साइन थीटा क्या देगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ए बी साइन थीटा विल गिव एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये हमें याद रखना है कि अगर, हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या मिल गया फिजिक्स में, अब इसको हमको, हम लोग को क्या करना है, याद कर लेना है बेटा, ठीक है, हमेशा याद कर लेना है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है, चाहे रेक्टेंगल है, ठीक है, चाहे किसी भी टाइप का पैरेललोग्राम है, चाहे स्क्वायर है, ठीक है, या कोई भी पैरेललोग्राम है, अगर इसका दो एडजेसेंट साइड, दो साइड वेक्टर से रिप्रेजेंट होता है, ये वेक्टर पी है और ये वेक्टर क्यू है, ठीक है ना, वेक्टर पी है, वेक्टर क्यू है, और ये साइड वेक्टर ए है और ये साइड वेक्टर बी है, दो एडजेसेंट साइड, ठीक है, पैरेललोग्राम के, ये मान लो वेक्टर एम है और ये मान लो वेक्टर एन है, ठीक है। तो दो साइड, अगर दो साइड, दो एडजेसेंट साइड, दो एक पॉइंट से निकलने वाले, यहाँ से दो एडजेसेंट साइड, ठीक है, उसका एरिया ही देंगे, तो एरिया, एरिया इस केस में पैरेललोग्राम की एरिया क्या हो जाएगी, पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू, पी क्रॉस क्यू मॉड, ये एरिया हो जाएगा इस पैरेललोग्राम का। यहाँ से इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए क्रॉस बी मॉड, ठीक है, स्क्वायर की एरिया क्या हो जाएगी, स्क्वायर की एरिया हो जाएगी एम क्रॉस एन, ठीक है, मॉड। मॉड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यार मतलब एरिया की वैल्यू हमें चाहिए, अगर डायरेक्शन भी चाहिए तो क्रॉस कर लो, क्या दिक्कत है, डायरेक्शन मान लो एम क्रॉस एन निकाल रहे, तो एम क्रॉस एन निकाल रहे, तो एम क्रॉस इस एरिया की जो डायरेक्शन है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाएगी एरिया, तो एरिया इज ऑल्सो ट्रीटेड वैक्टर इन सम स्पेशल केसेस, ठीक है। तो एरिया को वैक्टर डायरेक्शन मतलब इसको ट्रीट करेंगे, तो एरिया इधर आ जाएगा अगर मॉड हटा दोगे तो। चलो, तो यहाँ से हमने निकाला कि इसका मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। अब देखो, जब एरिया इस पैरेललोग्राम का निकाल लिए, इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लिए, तो एक इम्पॉर्टेंट बात, इस पैरेललोग्राम की एरिया दो पार्ट में डिवाइड की जा सकती है, इस पैरेललोग्राम की जो एरिया है वो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना, ये आला, ये जो पैरेललोग्राम बना है इसकी एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ये वाली, ठीक है, और इस ट्राइंगल का एरिया और इस वाले ट्राइंगल का एरिया, मतलब वन बाई टू, मतलब ये हुआ कि जो एरिया पैरेललोग्राम, यहाँ से आ जाओ तो एरिया पैरेललोग्राम जो है वो टू टाइम्स एरिया ऑफ छोटी छोटी ट्रायंगल, जो छोटू छोटू ट्रायंगल हैं, स्मॉल ट्रायंगल, उनके दोनों एरिया ऑफ पी क्यू, या एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वन बाई टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये हमें याद रखना है कि अगर कोई ट्रायंगल है जिसके वेक्टर की लेंथ दी हुई है, हमेशा याद रखना कि अगर कोई ट्रायंगल है जिसके दो एडजेसेंट साइड, पूरा ए वाली जो साइड है ए, वेक्टर ए है, और ये वाली साइड है वो वेक्टर बी है, तो इस ट्रायंगल की जो एरिया होगी, एरिया वो आ जाएगी हाफ वो ए क्रॉस बी का मॉड,
ए क्रॉस बी का मॉड। डायरेक्शन ले लोगे तो एरिया का डायरेक्शन आ जाएगा। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। ऑल्सो ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया कभी कभी डायगोनल के फॉर्म में दिया रहता है। देखो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, चलो मान लिया, ठीक है। अब इसके दो डायगोनल होते हैं, ठीक है, एक डायगोनल, ये जो डायगोनल है वो डी वन है और ये जो डायगोनल है वो डी टू है। तो तभी भी एरिया, जो अगर एरिया अभी भी निकाल सकते हैं, एरिया वन बाई टू डी वन वैक्टर मल्टीप्लाइड बाई डी टू वैक्टर मॉड, डी वन वैक्टर मल्टीप्लाइड बाई डी टू वैक्टर मॉड। तो अगर क्वाड्रिलेटरल के एरिया वैक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, ये वैक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली निकाल सकते हो इसको, क्योंकि ये वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर सकते हो। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हाफ इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। चलो आ जाओ बात करते हैं प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर पॉड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं होता वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, अभी बताए। लेकिन ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर हो सकता ना, अगर मैं उल्टा कर दूं तो, भाई समझ रहे ना, मतलब उल्टे को ए क्रॉस बी, बी ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या आया था, ए क्रॉस बी क्या आया था बोलो, सी आया था। लेकिन बी क्रॉस ए क्या आया था, बी क्रॉस क्या आया था, बी क्रॉस ए आया माइनस सी आया था, ठीक है। तो बी क्रॉस, जो बी क्रॉस सी है वो माइनस सी आया था। तो अगर मैं माइनस यहाँ से माइनस लगा दूँ, माइनस, ठीक है, माइनस, और इस सी की वैल्यू डाल दूँ तो माइनस करके, तो ये उल्टा तो होंगे ना भाई, ठीक है, डायरेक्शन, क्योंकि उनका अपोजिट है। ये वेक्टर बता रहा है, ये वेक्टर एक अलग वेक्टर है और एक अलग वेक्टर है जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस साइन ये बता रहा है, और था भी था, इनकी मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगी ये। चलो नेक्स्ट देखो, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर ऑलवेज जीरो होता है। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द कोलिनियर वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर और इक्वल वेक्टर ऑलवेज जीरो होता है। अब भाई पैरेलल वेक्टर है, ये दो वेक्टर हैं आपस में पैरेलल है, देखो एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए और बी के बीच जो एंगल कितना है, जीरो है, ठीक है। तो अगर जीरो है तो ए क्रॉस बी कितना होगा, ए क्रॉस बी होगा ए बी साइन जीरो, साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो जीरो होता है, ठीक है, तो नल वेक्टर मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, तभी भी एंटी पैरेलल है, एक वेक्टर ऐसे है, तो थीटा कितना है 180, तो 180 के केस में साइन 180 कितना होता है, साइन 180 जीरो होता है। तो ये हमेशा याद रखो। तीसरा, द वेक्टर प्रोडक्ट टू म्यूचुअली वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। देखो दो वेक्टर हैं आपस में परपेंडिकुलर है, एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो ए और बी है, तो जब इनका क्रॉस लोगे तो इतना ए बी साइन थीटा, ये एक नया वेक्टर मिला। अगर मैग्नीट्यूड इधर मॉड लगा ना तो ए बी मिलेगा, सिर्फ ए बी मिलेगा, ठीक है। अगर मॉड लगा ना इधर तो मैक्सिमम वैल्यू ए बी मिलेगी। अगर एन कैप कंसीडर करोगे तो ए क्रॉस बी बोर्ड के अंदर, ए क्रॉस बी बोर्ड के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो आई होप कि ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग टू टू वैक्टर एंड ऑर्थोगोनल टू द बेग्ड वेक्टर ए एंड बी हैं, हुज वेक्टर ए एंड बी मे या मे नॉट बी ऑर्थोगोनल। समझो ये जो पॉइंट है वो बहुत क्रूशियल है, बहुत क्रूशियल, डायरेक्ट नीट में या क्वेश्चन आया है, ठीक है, कि ये कहा क्या रहा है कि अगर दो वैक्टर हैं, समझो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है, तो ए बी साइन थीटा एन कैप, जो नया वेक्टर मिला इसको मैं वेक्टर सी बोलता हूँ, तो सी वेक्टर ये कह रहा है कि सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर ऑलवेज, ठीक है ना, ऑलवेज ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी, ऐसा इम्पॉसिबल है, हमेशा याद रखो। इसका मतलब ये हुआ कि सी ए डॉट सी इज इक्वल टू जीरो, हमेशा आपको याद रखना है कि अगर ए क्रॉस बी कोई इक्वेशन लिखा हुआ, इस तरह से कोई इक्वेशन लिखा हुआ है फिजिक्स में कि ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, तो सी हमेशा ए के परपेंडिकुलर होगी, सी हमेशा बी के परपेंडिकुलर होगी, सी हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जो जिसमें ए एंड बी रहेंगे, ठीक है। तो सी इज
ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है ना, ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी ऑलवेज, और इनका डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज जीरो होगा, ठीक है ना, मतलब सी परपेंडिकुलर टू बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट सी इज परपेंडिकुलर टू, एक मिनट, सी परपेंडिकुलर टू, तो सी डॉट बी इज जीरो ऑलवेज, तो सी डॉट बी हमेशा जीरो ही होगा। अगेन अब क्या देखो, क्या इस इक्वेशन में याद करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या इस इक्वेशन में ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हो सकते हैं? वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ए एंड बी मे बी परपेंडिकुलर आर मे नॉट बी, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, समझ रहे हो ना। एक बार ऐसे आपको समझाता हूँ। एक प्लेन है, तो इस प्लेन में, ठीक है, अब देखो वेक्टर ए ऐसे है और वेक्टर बी ऐसे है, तो जो सी आएगा वो तो हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, वेक्टर ए ऐसे आएगा, वेक्टर बी ऐसे आएगा, समझ रहे हो ना, रियल लाइफ में समझ रहे हो, ये वेक्टर ए और बी इसी के प्लेन में, तो सी तो हमेशा ऊपर ही आएगा ना भाई, तो ए इधर आया, बी इधर आया और सी हमेशा ऊपर आया, तो सी इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, साथ साथ ए के परपेंडिकुलर है, बी के परपेंडिकुलर होगा, मतलब ए और सी का डॉट हमेशा जीरो होगा। और अगर ये दोनों वेक्टर मेरे ए और सी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान दो, ये वेक्टर मेरा ए है और ये वेक्टर मेरा सी है, तो ये परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते ना, वो थीटा डिसाइड करेगा, इनके बीच का एंगल डिसाइड करेगा, समझ रहे हो ना, ये थीटा डिसाइड करेगा कि ए एंड बी आपस में परपेंडिकुलर होंगे या नहीं। इफ थीटा इज इक्वल टू नाइन्टी देन ए परपेंडिकुलर टू बी, ओनली केस, ठीक है, बाकी सी हमेशा परपेंडिकुलर होगा ए के, बी बी के, ए के और इस प्लेन के, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमेशा माइंड में आपको रखना है। चलो चलो नेक्स्ट, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर आई जे के में बात करते हैं। अब कॉमन सेंस की बात है कि आई क्रॉस आई करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो, भाई इक्वल वेक्टर, आई इधर है, आई और आई के साथ क्रॉस साइन जीरो जीरो, तो ये हमेशा याद रखना कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ऑलवेज जीरो, ठीक है। बट इम्पोर्टेंट बात ये है कि आई क्रॉस जे दूसरे के साथ प्रोडक्ट करो, अभी तो आपस में ही कर रहे थे, आई के साथ जे के साथ करोगे तो समझो सब लोग, ये आई है और ये जे है, तो मैं अब आई क्रॉस जे निकालता हूँ, ठीक है, तो आई की मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 और इनके बीच साइन 91, ठीक है, और ये यूनिट वेक्टर जो हमारा चला आ रहा था, ठीक है, तो आई क्रॉस जे ऊपर आया, डायरेक्शन ऐसे आया, इधर आया, ठीक है, तो ये आया एन कैप, मतलब एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो आई के भी परपेंडिकुलर है, जे के भी परपेंडिकुलर है, और ऐसे यूनिट वेक्टर को मैं बोलता हूँ के वेक्टर, ठीक है, ऐसा यूनिट वेक्टर, तो एन कैप को रिप्लेस कर देते हैं नए वेक्टर से के कैप से, क्यों, क्योंकि इधर वो यूनिट वेक्टर के ही होता है जो आई और जे के परपेंडिकुलर होता है, बात आई समझ में, तो अगर इतनी सी बात समझ में आई तो हमेशा याद रखो कि आई क्रॉस जे ये प्रॉपर्टी में काम आएगा भाई, ये प्रॉपर्टी में काम आएगा, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप, ठीक है, आई क्रॉस के इज इक्वल टू आई, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई कैप, और के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे कैप, जस्ट इसके अपोजिट उल्टा होता है भाई, आई क्रॉस जे है तो उल्टा कर दोगे तो जे क्रॉस आई माइनस के कैप, अब करके देखो जे ऊपर है आई इधर है तो जे क्रॉस बोर्ड के अंदर माइनस के क्रॉस जे इज इक्वल टू आई क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस, इसको हमें याद रखना है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हमें याद रखना, और कैसे याद रखना मैं आपको इधर बताता हूँ, चलो इसको मैं रब कर देता हूँ, आप नोट कर लेना इसको प्यारे बच्चों, इसको प्रॉपर्टी को हमें याद रखना है, ठीक है, कैसे, एक साइकिल आई जे और के, ठीक है, एक अगर साइकिल में चलोगे, इस साइकिल को याद रखो, ठीक है, आई जे के, अगर इस साइकिल में चलोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, आई क्रॉस जे
इज इक्वल टू के कैप मिलेगा, ठीक है, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई कैप मिलेगा, ठीक है, के क्रॉस आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जे कैप मिलेगा, बात समझ में। लेकिन इसके उल्टा चलोगे, अगर ऐसे चलोगे, ठीक है, तो पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन आई जे के अगर इस तरह से चलोगे, अपोजिट चलोगे, तो निगेटिव मिलेगा, ठीक है। मतलब के क्रॉस कर लो K क्रॉस J, अब मान लो K क्रॉस J कहीं पे आ गया, तो K क्रॉस J उल्टा जा रहा हूँ ना, तो माइनस I आ जाएगा, ठीक है। अब देखो J क्रॉस I माइनस K आ जाएगा, ठीक है, I क्रॉस K इज इक्वल टू माइनस J आ जाएगा, ठीक है। तो ये रूल हमें याद करने में हेल्प मिलता है, सभी बुक में लिखा हुआ है, आप उसको देख लेना, मैं समझा दिया। चलो अब एक अगर वेक्टर ऐसे हो तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये इस टाइप में हो तो हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे। चलो अब देखो, अगर वेक्टर ये ऐसे है, वेक्टर बी ऐसे है, तो इस एक्चुअली ये इसको मैं लिख सकता हूँ, या भी मैं बताता हूँ ये कहाँ से आया है, ए क्रॉस बी, जल्दी से फटाक से फटाफट कैसे निकालोगे, ए क्रॉस बी, ए को पहले लिखोगे बी को पहले लिखोगे, तो ए को पहले लिखना है तो आई जे के ऊपर बना लेना, आई जे के ऊपर ऐसे लगा देना ऐसे, ठीक है, और आई जे के ऊपर उसके बाद ए का पहले पहले डालोगे, ए के कोफिशियंट पहले डालोगे, क्योंकि पहले ए लिखे हो, बहुत बच्चे गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, पहले ए लिखा हो तो ए का कोफिशियंट ऐसे लिखूंगा, फिर B आएगा, जो B यहाँ रहेगा पहले B है, अगर यहाँ पर B लोग दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, आप A क्रॉस B निकाल रहे हो और ऊपर B लिख देते हो, नीचे A लिख देते हो, तो गलत हो जाएगा सवाल। तो A क्रॉस B लिख रहे हैं, पहले A लिखेंगे, इस तरह से डिटर्मिनेंट सम बना लेते हैं, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब अल्टीमेटली आपको इसको सॉल्व करने आता होगा, या पहले नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। देखो आई का निकाल रहे हो ना, पहले आई का लिखोगे, ठीक है, आपसे तीन ब्रैकेट बना लेना, ऐसे ब्रैकेट बना लेना, एक आई लिख देना, प्लस साइन देना, एक जे लिख देना, ठीक है, फिर प्लस साइन देना, एक के लिख देना, ठीक है, बहुत आसान है। अब देखो आई की वैल्यू निकाल रहे हो, तो भाई जब दो का क्रॉस करोगे तो वेक्टर ही तो मिलेगा, तो यही तो वेक्टर है, ठीक है, तो पहले आई का लिख रहे हैं, तो जब हम आई का लिख रहे हैं तो पहले आई वाले रो और कॉलम भूल जाऊंगा, ये कॉलम मैं भूल गया, अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखो किया हुआ है, ए एक्स बी जेड और ए जेड बी ए, ठीक है। अब चलो ये बात समझ में आया, तो ये आई ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब अगर मैं अब आई जे का लिखूंगा, अब मैं अगर जे का इसको मैं मिटा देता हूँ, अगर मैं जे का लिखूंगा तो जब मैं जे का लिखूंगा तो ये रो और ये कॉलम भूल जाऊंगा, अब पीछे नहीं आना है, यहाँ से चलना स्टार्ट ये, तो यहाँ तब यहाँ अगर यहाँ से अब इसमें इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, आगे नहीं आना, यहाँ से चले थे ना, आगे बढ़ जाना है, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किए, फिर यहाँ से इनको मल्टीप्लाई के लिए, फिर अब के का लिखोगे तो बहुत आसान है, ठीक है, के का लिखोगे ये रो और कॉलम भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लो ये वाला यहाँ चीज। तो आई होप कि समझ में ये आया कहाँ से वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, ठीक है, आप डिराइव कर सकते हो। देखो डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई किया गया होगा, ठीक है, अब मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी निकालना है तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, पहले ए और बी को, ठीक है, तो ए को कॉपी कर लिए, यहाँ कॉपी कर लिए, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये मैंने कॉपी कर लिया। चलो तो अब मैं कॉपी कर लिया, अब मैं B को यहाँ कॉपी कर लूँ, तो B को कॉपी कर ले यहाँ, तो B क्रॉस साइन लगा दो और B को कॉपी कर लो, ठीक है, तो बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ कॉपी कर लिया, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, इन तीनों में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, बात आई क्लियर में, ठीक है, फिर इससे इस वाले से, ठीक है, इस वाले से बी ए वाई से इन तीनों में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और फिर इससे इन तीनों में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है।
अब उसके बाद क्या करना, हमें प्रॉपर्टी लगा देना है, तो ये मैट्रिक्स, ये रिजल्ट आएगा, ठीक है, करके देखना इसको, ट्राई करना इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई करना, प्रॉपर्टी लगाना आईज एक का, और उसके बाद एक करना, ठीक है। चलो अब लास्ट में हम एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा यूज है बच्चों, बहुत ज्यादा, ठीक है। सबसे पहला होता है क्रॉस प्रोडक्ट एप्लीकेशन में टॉर्क, ठीक है, ये ऐसे गलत लिखा हुआ है, टॉर्क रोटेशन में पढ़ोगे टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू आर पोजीशन वेक्टर और मल्टीप्लाइड बाय फोर्स वेक्टर के बराबर होता है। क्या होता है डिटेल में रोटेशन में डिस्कस करेंगे। एंगुलर मोमेंटम एल क्रॉस आर, एल क्या है एंगुलर मोमेंटम, आर पोजीशन वेक्टर, पी लीनियर मोमेंटम, वेलोसिटी, बी इज इक्वल टू होता है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, रेडियस और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन होता है। जो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिज्म में पढ़ोगे इसको, तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू बी, बी मैग्नेटिक फील्ड, एफ फोर्स, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा। और ये दो इम्पोर्टेंट और भी है कि साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द दो वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल आप इस साइन के प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हो इस रूल से, ये भी एक इसका एप्लीकेशन है। सिक्स यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू प्लेन ए एंड बी। देखो अब हमें पता है कि अगर ये प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन में दो वेक्टर है, एक ए रहता है एक बी रहता है, दो वेक्टर रहते हैं। अब आपसे पूछता है इस प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालो, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर एन कैप ही तो था भाई, तो एन कैप ऐसे निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर, टू वेक्टर का हमने क्रॉस प्रोडक्ट सीखा। इससे बाद हम न्यूमेरिकल इसका डिस्कस करेंगे, तो आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा इसको कई बार वीडियो देखो, पॉज करो, ठीक है, मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनो, और बहुत ज़्यादा आप घर पे पढ़ाई करो, और बहुत अपना अपना बहुत ख्याल रखो, बहुत पढ़ाई करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।